भाई मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है कि मैं आपको इतनी डिटेल से वीडियो को दिखाता हूँ, वीडियो पर बता भी देता हूँ, लेकिन पता नहीं आप लोग कैसे वीडियो को देखते हो कि जिन लोगों को समझ में भी नहीं आता है। काफी लोग तो ऐसे हैं जिन्हें समझ में आ गया तो वो ठीक कमेंट करके अपने चले गए हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कनेक्शन भी समझ में नहीं आ रहा है और टेस्टिंग तो खैर मेरे ख्याल से वो देख ही नहीं रहे हैं। तो देखो मैं आपको आज क्लियरली से इसका एक एक स्टेप बताने वाला हूँ, क्योंकि आपकी वजह से मैं फिर से ये वीडियो को बना रहा हूँ, वरना मैं बनाने वाला नहीं था, क्योंकि मैंने एक एक चीज मैंने वीडियो में पहले ही बता दिया था। और आज मैं पूरा दूंगा ट्यूटोरियल, पूरी अच्छी तरह से बताऊंगा। चलो शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसका कनेक्शन, यानी कि कनेक्शन इसका मैंने कैसे किया था। चलो कैमरे को मैं आगे रखता हूँ। ये देखो जैसा कि आपको कनेक्शन नहीं समझ में आ रहा था तो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो पैनल का जो पॉजिटिव पिन देख रहे हो, यानी कि यहाँ पर जो हमारा 5 वोल्ट इनपुट लगता है, इसका वायर हमें यहाँ पर IC के पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट करना है, और जो मिडिल पिन रहेगा वो टोटली ग्राउंड होता है, तो मैंने हीट सिंक पर भी लगा दिया है और यहाँ पर भी मैंने कनेक्ट कर दिया। आपको अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो देखो सिंपल सा रेट है, 18.05 का IC जो होता है उस पर 12 वोल्ट हमें फर्स्ट लेग पर देना होता है और आउटपुट हमारा 5 वोल्ट इस पर लेना होता है। अगर 6 वोल्ट भी इस पर आएगा क्लियर, टेंशन नहीं है, खराब नहीं होगा। हाँ उससे ज़्यादा देते हो तो ये खराब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी 12 वोल्ट के लिए कोई जैक यहाँ पर नहीं दिया गया है। अब चलो इसके आगे का कनेक्शन समझते हैं। यहाँ पर देखो ये है हमारा एम्पलीफायर मॉड्यूल, और एम्पलीफायर मॉड्यूल पर सिंपल सही से 12 वोल्ट इनपुट देना था, तो सेम यहीं से मैंने 12 वोल्ट और ग्राउंड से मैंने -12 वोल्ट मैंने ले लिया है, जो हमारा करंट होता है डायरेक्ट हमारे मॉड्यूल के पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ। यहाँ पर ऑक्स केबल का लेफ्ट, ग्राउंड और राइट मैंने कनेक्ट कर दिया, जैसा कि ये वाला वायर आप देख रहे हो, ये हमारा ऑक्स के लिए था और ऑक्स का मैंने डायरेक्ट यहाँ पर कनेक्शन कर दिया है। स्पीकर को यहाँ पर मैंने कनेक्ट किया है ये दोनों आउटपुट पिन पर। अब यहाँ पर मैंने स्पीकर कौन सा यूज किया, तो देखो एक हमें यहाँ पर नॉर्मल स्पीकर देखने को मिल जाता है जो कि है 10 वाट 4 ओम्स का, यह है सब ऊपर, और यह है हमारा 8 वाट और 6 ओम्स का है, यानी ज़्यादा डिफरेंस हमें यहाँ पर देखने को नहीं मिलता है। बेस क्वालिटी काफ़ी अच्छी रहेगी, जैसा आपका एम्पलीफायर रहेगा वैसा आपको यहाँ पर आउटपुट सुनने को मिल जाएगा और देखने को भी मिल जाएगा। इस पर कोई भी साउंड का नहीं ऑप्शन दिया गया है, इसलिए मैंने यहाँ पर एम्पलीफायर का यूज किया है। ये क्लियर हो चुका है। चलो अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ इसके वीडियो की क्वालिटी पर। देखो ये है हमारा वीडियो का आउटपुट, यहाँ पर मैंने टोटल 2 कनेक्टर का यूज किया है, एक तो AV केबल का यहाँ पर आउटपुट के लिए फीमेल पोर्ट मैंने लगाया है और एक मैंने यहाँ पर मेल कनेक्टर मैंने लगाया है। क्यों लगाया है, ये हमारा TV देखो फीमेल पोर्ट यहाँ पर सपोर्ट करता है, यहाँ पर मैं खोल के दिखाता हूँ। ये देखो ये फीमेल कनेक्टर और ये हमारा मेल कनेक्टर, अगर ये दोनों कनेक्ट होगा एक साथ तो इस पर हमें वीडियो देखने को मिल जाएगा। काफ़ी लोग बोलते भाई हमें टेलीविज़न का जो लिंक है वो हमें दे दो, कि हमें भी इसे परचेस करना है, तो मैंने उस वीडियो पर इसलिए नहीं दिया क्योंकि उस टाइम पर क्या हो रहा था कि मतलब मेरे पास ये अवेलेबल नहीं था, यानी कि समझो कि जब मैं वीडियो को शूट कर रहा था उस समय पर ये प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, मतलब खत्म हो गया था, तो मैंने सोचा कि चलो कभी अगर जैसे आएगा तो मैं उस कंडीशन पर मैं दे दूंगा। फिर भी भाई लोगों ने कमेंट किया तो मैंने बोला कि भाई आप अमेजोन पर जाओ सर्च करो कार मिनी TV तो आपको ये मिल जाएगा। अगर आप TV पर इसे चलाना चाहते हो तो उसके लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको उस वाले वीडियो पर भी मैंने आपको बता ही दिया था। तो चलो अब मैं आपको इसे फिर से टेस्ट करके दिखाने वाला हूँ। पेन ड्राइव यहाँ से पहले से कनेक्ट है, मैंने कुछ हटाया नहीं है। अब यहाँ पर जो अडेप्टर है, अडेप्टर को यहाँ पर AC पर लगाते हैं। ये देखो AC पर मैंने लगा दिया है। अब यहाँ पर हमारा लाइन सप्लाई आना स्टार्ट हो चुका है, यहाँ पर हमारा जो TV है वो भी चालू हो चुका है। अभी आप देखो, अभी काफ़ी लोग ये बोल रहे थे कि भाई हमें इसे चलाना नहीं आता, तो चलाए हम कैसे, मतलब एक एक स्टेप से ऑपरेट कैसे करें। देखो मैं क्लियरली सच बताने वाला हूँ, पूरी डिटेल से बताऊंगा, तो आप बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पर दे देने वाला हूँ। इसका वीडियो का जो ये अनबॉक्सिंग का जो लिंक है वो भी मैं वीडियो में दे देने वाला हूँ, तो आप उसे चेक कर लेना। अब यहाँ पर मैं एक एक करके चेक करने वाला हूँ। वॉल्यूम मैंने यहाँ से कम कर दिया, सबसे पहले FM को यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। ये देखो यहाँ पर मैंने FM स्टार्ट किया है, FM पर कोई साउंड आ रहा है या नहीं आ रहा, चलो वॉल्यूम को बढ़ा करके देखते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम पर देने पर सिर्फ और सिर्फ जो सनसनाहट की जो साउंड है वो यहाँ पर हमें सुनने को मिल रहा है। चलो यहाँ पर थोड़ा चेंज करके देखते हैं, चेंज करने से कुछ होता भी है या नहीं होता है। ये देखो यहाँ पर ये धीरे धीरे स्कैन कर रहा है, जिस पर म्यूजिक हमारा आएगा उस पर ये जाकर के रुक जाएगा। तो देखो गाइस यहाँ पर आपको FM पर क्यों नहीं सुनने को मिला वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो FM का कनेक्टर है वो मैंने कनेक्ट नहीं किया है,
क्योंकि FM हमें यहाँ पर ज़्यादातर यूज करना है, क्योंकि आजकल FM पर ना के बराबर लोग सुनते हैं, फिर भी अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो, अदरवाइज आपकी मर्जी है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमारा आता है ऑक्स का ऑप्शन। यहाँ पर आप ऑक्स केबल कनेक्ट करोगे तो यहाँ पर काम करेगा, लेकिन यहाँ पर ऑक्स केबल मैंने कनेक्ट नहीं किया, तो देखो ऑक्स इन लिखा हुआ है, लाइन इन ऑक्स इन, यानी जैसे आप ऑक्स केबल को यहाँ पर कनेक्ट करते हो यहाँ पर ऑटोमेटिक हमारा चालू हो जाएगा और यहाँ पर ऑक्स केबल से आप म्यूजिक को चला सकते हो। अब यहाँ पर हमारा मूवी का ऑप्शन देखने को मिलता है। अब मूवी पर हमारा क्या चलेगा, चलो मैं वो दिखाता हूँ। देखो जैसे ही आप यहाँ पर मूवी पर कनेक्ट करते हो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे वीडियोस का लिंक आपको दिख जाएगा, जो भी आपको वीडियो चलाना होगा वो सभी वीडियो यहाँ पर आपको शो होगा। और जैसे कि आपको मैं बता देना चाहता हूँ, इस वाले पेन ड्राइव से यानी कि इस वाले मॉड्यूल से आप जितना चाहे 4K वीडियो भी इस पर ऑपरेट कर सकते हो। शायद ही आपको पता भी होगा कि हमने जो प्रोजेक्टर लिया था उस वाले पर 720 सपोर्ट करता है वीडियो क्वालिटी, और इस पर हमारा 4K भी सपोर्ट कर जाता है। अगर यहाँ पर मेरा कोई खुद का वीडियो होगा तो मैं यहाँ पर भी प्ले कर दूंगा, आप देखना 4K वीडियो पर मैं सेव करता हूँ हमेशा, तो उस वाले वीडियो को भी मैं प्ले करके आपको दिखा दूंगा। अभी मैंने एक वीडियो को ढूंढ लिया है जो मेरा खुद का वीडियो है, जो ब्लॉग वाले चैनल पर अपलोडेड था, तो चलो मैं आपको इसे चेक करके दिखाता हूँ। वॉल्यूम को थोड़ा बढ़ाएंगे, ज़्यादा नहीं देंगे, और देखो प्ले करता हूँ मैं। ये देखो यहाँ से मैंने वीडियो को स्टार्ट कर दिया है, आप इस क्वालिटी को देखो, देख सकते हो। तो आप यहाँ पर देख सकते हो इसकी जो क्वालिटी है वो कितनी अच्छी है। आप यहाँ पर देखो कि ये फुल साइज पर है, और फुल साइज रहने पर भी यहाँ पर क्वालिटी पर कोई भी पिक्चर फटने का या ब्लर सिस्टम आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, प्रॉपर अच्छे तरह से यहाँ पर ये काम करता है। आप जितना देर चाहे उतना देर चालू कर सकते हो। काफ़ी लोग ये बोल रहे हैं कि इसे 15-20 मिनट चलाने के बाद ये कार्ड ख़राब हो जाता है। अगर आप बताओ कि अगर ये ख़राब होता तो लगभग अभी देखा जाए तो 5 मिनट का समय ये लग चुका है, 5 मिनट में भी ये ख़राब नहीं हुआ है। चलो मैं आपको अब नेक्स्ट वीडियो को चेक करके दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो वीडियो है वो शो हो रहा है। तो अब आप मुझे बताओ कि अब आपको यहाँ पर किस जगह पर कनेक्शन में आपको प्रॉब्लम हो रहा है या कहाँ पर आपका प्रॉब्लम हो रहा है ये मुझे बता दो। वीडियो क्वालिटी थी जो मैंने आपको वीडियो भी दिखा दिया है। अब चलो अब मैं आपको यहाँ पर फोटोज़ को भी दिखाने वाला हूँ, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको हर एक चीज़ आज चेक करके दिखाने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखो फोटोज़ को क्लिक करते तो यहाँ पर हमें काफ़ी सारे फोटोज़ देखने को मिल जाते हैं, तो इसमें से मैं कोई ऐसा वीडियो फोटो को ले लेता हूँ जो PNG पर होगा। मैं यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ धीरे धीरे जा करके। आप बस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना, आपके लिए बस इतने सारे वीडियोस को बनाए जा रहे हैं। आप यहाँ पर देखो यहाँ पर मैंने सिंपली एक फ़ोटो को मैंने यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ जो कि 24 नंबर पर ये था, और आप इसकी क्वालिटी को अगर देखो तो यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हो। ये देखो यहाँ पर ये एक ट्री है और ये आप देख सकते हो इसकी जो क्वालिटी है वो आप देखो, बिल्कुल भी आपको यहाँ पर ज़्यादा नहीं लगेगा कि आपको यहाँ ऐसा क्वालिटी देखने को मिल जाएगा। साथ ही यहाँ पर आप फंक्शन भी कर सकते हो, यहाँ से ब्राइटनेस को आप बढ़ा सकते हो कम कर सकते हो। मैंने इसे 50 पर रखा है जिससे हमारा जो वीडियो क्वालिटी है वो भी परफेक्ट दिखेगा, और साथ ही यहाँ पर कोई भी हम अगर इमेज को यूज कर रहे हैं या वीडियो को शूट कर रहे हैं तो उस कंडीशन पर यहाँ पर हमें कोई भी ऐसा ब्लर सिस्टम हमें देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पर क्लैरिटी सेट करके रखा हुआ है। मैं आपको और भी फोटो दिखाता लेकिन वो प्राइवेसी की वजह से मैं नहीं दिखा रहा हूँ। अगर कोई ऐसा फोटो लग जाता है जो मैं आपको दिखा सकूँ, देखो यहाँ पर भी देख सकते हो एक फोटो और है वो भी क्लियर काफ़ी अच्छा दिख रहा है। चलो ये फोटो की बात तो अलग होगी, तो काफ़ी कम लोग हैं जो ऐसे मॉड्यूल पर चेक करना चाहते हैं। अब चलो मैं आपको म्यूजिक को टेस्ट करके दिखाता हूँ। यहाँ पर देखो म्यूजिक का जो ऑप्शन है वो हमें देखने को मिल जाता है। चलो म्यूजिक को मैं चेक करके दिखाता हूँ। सिंपली यहाँ पर मैंने एक म्यूजिक को प्ले किया जो कि मैं कल ही इसे रिमिक्स कर चुका हूँ। अगर यह सॉन्ग आपको सुनना है तो मैं डिस्क्रिप्शन पर इसका लिंक दूंगा, आप चेकआउट कर लेना। आप इसकी क्वालिटी को सुनो, साउंड क्वालिटी सुनो।
और आप देख सकते हो कि जैसा आपकी जो यहाँ जो म्यूजिक चलेगा उस कंडीशन पर हमें यहाँ पर शो भी होगा। यानी समझ लो, अगर मैं आपको बताऊँ तो एक तरह से आपका टेलीविजन नहीं, आपका ये फोन ही होगा। ये फोन के हिसाब से ये सेम काम करता है, जैसा आपका परफॉर्म करता है फोन उसी तरह से ये भी काम करेगा, सिर्फ और सिर्फ इस वाले मॉड्यूल के साथ। अब ये भले ही पुराना है, 5 साल पुराना है या 6 साल पुराना है, काफी लोग ये भी बोल रहे हैं कि ये क्या काम का आएगा, क्योंकि आजकल के जो जितने भी टेलीविजन है, LED टीवी है, उन सभी पर ये फंक्शन हमें पहले से देखने को मिल जाता है। MP3 और MP5 को लेकर के काफी ज्यादा प्रॉब्लम था कि MP3 तो चलता है, MP5 नहीं चलता है। देखो मैं MP3 चला रहा हूँ, MP4 चला रहा हूँ, MP5 भी मैं ऑपरेट करके सभी कुछ आपको क्लियरली से दिखा दिया हूँ। अब हमारा नेक्स्ट आता है हमारा ये ब्लूटूथ। अब ब्लूटूथ को चेक करने के लिए मैं जा रहा हूँ अपने घर, और यहाँ से मैं आपको भी एक ब्लूटूथ को कनेक्ट करके दिखाऊंगा और यूज भी करके बताऊंगा ब्लूटूथ कैसा काम करता है। भाइयों ये मैं यू गया और यू आ चुका हूँ। देखो यहाँ पर जो हमारा फोन है वो आ चुका है। अब फोन पर कैसे ब्लूटूथ को कनेक्ट करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर ब्लूटूथ को ऑन करना पड़ेगा। यहाँ पर ऑन कर देते हैं, देखो नो कनेक्शन अभी यहाँ पर आपको शो हो रहा है। अब यहाँ पर हमारा जो फोन है, फोन पर हमें यहाँ पर ब्लूटूथ को पहले ऑन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर D001 है, लेकिन ये हमारा ब्लूटूथ नहीं है, इसे अनपेयर करते हैं क्योंकि इसका मॉडल जो आएगा वो थोड़ा अलग आएगा, SJ605C। इसे हम यहाँ पर पेयर करेंगे सबसे पहले। अब पेयरिंग में हो सकता है काफ़ी टाइम लगता है काफ़ी लोगों को, क्योंकि ये तुरंत पेयर हो चुका है। देखो यहाँ पर ये कनेक्ट हो चुका है, देखो कनेक्टेड एक्टिव मीडिया। अब यहाँ पर ब्लूटूथ वाला जो नो सिग्नल का जो ऑप्शन था, यानी नो सिग्नल का कनेक्शन का ऑप्शन था, वो भी हट चुका है। अब यहाँ पर देखो जितने भाई बोल रहे थे कि इससे वीडियो को चलाया जा सकता है या नहीं चलाया जाता, तो ये नहीं चलेगा, क्योंकि अगर देखो मैं यहाँ पर YouTube को ओपन करता हूँ तो यहाँ पर हमें कुछ भी शो नहीं होगा। अब यहाँ पर चलो जैसे कि ये हमारा खुद का ही वीडियो आ चुका है, तो चलो यहाँ पर मैं इसे ऑन करता हूँ। ये देखो साउंड को यहाँ बढ़ाते हैं, देखो सिर्फ हमें यहाँ पर साउंड सुनने को मिलेगा बस। यानी कि अगर यहाँ पर आप सीधा समझो तो इस जगह पर आपको सिर्फ और सिर्फ साउंड आप इसे सुन सकते हो, क्योंकि यहाँ पर डिजिटल वीडियो प्लेयर तो है, लेकिन ब्लूटूथ वाले ऑप्शन पर सिर्फ और सिर्फ आपको म्यूजिक सुनने को मिलेगा। उसके अलावा आप इस पर कोई भी कोशिश मत करना कि हम यहाँ पर ब्लूटूथ कनेक्ट करके हम डायरेक्ट TV को चला सकते हैं। इसलिए मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक फुल टेस्ट करके दिखाऊंगा। अब यहाँ पर मैं कोई ऐसा वीडियो लगा दूँ जो थोड़ा शॉर्ट में होगा, कम व्यू होगा, और उसको मैं प्ले करता हूँ। आप यहाँ पर मुझे देख करके बताओ क्या आपको अभी भी लगता है कि आप ब्लूटूथ से डायरेक्ट से म्यूजिक के साथ आप यहाँ पर वीडियो को भी प्ले कर सकते हो? अगर ऐसा अगर होता तो मैं इसे कभी भी इसे यूज कर लिया होता। और देखो ये काम नहीं करता है, अगर ब्लूटूथ से आप चाहो भी तो आप इसे यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ब्लूटूथ पर ऐसा कोई भी फंक्शन नहीं देखने को हमें मिलता है। अब देखो और भी हमारे यहाँ पर 2-3 ऑप्शन थे जो मैंने शायद आपको चेक भी करके दिखाया या नहीं चेक करके दिखाया, तो चलो मैं अब आपको चेक करके देता हूँ। ब्लूटूथ तो अभी भी कनेक्ट है, लेकिन उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हमारा यहाँ पर आता है एक्सप्लोरर, यानी कि हमारा फाइल मैनेजर। यानी फाइल मैनेजर किस तरह से काम करता है वैसे मैंने आपको बताया अभी शुरू में ही। देखो यहाँ पर सबसे पहले हमारा एक ऑप्शन देखने को मिलता है, मतलब एक फाइल देखने को मिलता है जो कि फाइल खाली है। दूसरे वाले पर हमें म्यूजिक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, म्यूजिक पर क्लिक करते हैं तो यहाँ हमारा सभी म्यूजिक जो है वो सभी शो होगा, और सभी आप अपने रिमोट से ऑपरेट कर सकते हो, अच्छे तरह से ये काम करेगा। जो चाहे आप उस वाले को चला सकते हो, वीडियो चलाओ, म्यूजिक चलाओ, सभी को एक तरह से चेक कर सकते हो। चलो नीचे में यहाँ पर मूवी का ऑप्शन है, मूवी वाले पर ऑप्शन पर देख लो, कुछ इस तरीके से ये काम करेगा। और नीचे जाते हैं धीरे से तो यहाँ पर हमारा पिक्चर जो है वो सभी यहाँ पर हमें दिख जाएगा पिक्चर वाले ऑप्शन पर। नीचे करते हैं यहाँ पर एंड्रॉयड लिखा हुआ है, एंड्रॉयड पर कुछ नहीं मिलेगा, खाली है, क्योंकि इसे मैंने एंड्रॉयड फ़ोन से ही मैंने इस पर कोई भी प्रोग्राम जो है वो मैंने सेटअप किया है। नीचे हमारा ये अभी 2 म्यूजिक है जो मैं आपको चेक करके नहीं दिखा सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। मेरे पहले वाले वीडियो पर भी कॉपीराइट आया था, लेकिन मैंने उसे रिमूव कर दिया, यानी कि मैंने हटा दिया है, इसलिए आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। और लास्ट हमारा ये आता है सेटिंग। अब सेटिंग में भी चलो थोड़ा मैं दिखाई देता हूँ सेटिंग पर हमारी क्या 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 देखने को मिलता है। वैसे तो उस पर बताया था मैंने, फिर भी एक एक स्टेप जब बता रहे तो सभी को
क्लियर करेंगे। सबसे पहले हमें लैंग्वेज यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, लैंग्वेज से कुछ ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, बस यहाँ पर आना है ओके बटन अगर प्रेस करते हो तो यहाँ पर बस आपको समझना है उस भाषा में ये चेंज कर देगा, लेकिन इंग्लिश हमें समझना है तो इंग्लिश, चलो इंग्लिश यहाँ पर सपोर्ट कर जाता है। दूसरा यहाँ पर आउटपुट में पाल आता है। अब काफ़ी लोग ये बोल रहे थे भाई पाल का क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, तो डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा जब आप वीडियो को प्ले करोगे उस टाइम पर आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा। जैसे कि अभी भी आप जहाँ पर देख सकते हो साइज जो है वो देखो यहाँ पर साइज क्या है, ऊपर में कटा हुआ है हल्का सा, नीचे में कटा हुआ है। अगर यहाँ पर हम इसे चेंज कर देते हैं तो स्क्रीन तो हमारा फुल साइज हो जाएगा लेकिन वीडियो जो होगी वो फटने लगेगी, यानी कि पिक्चर क्वालिटी बाहर चली जाएगी और आपको क्लियर से नहीं दिखेगा। अब यहाँ पर आता है हमारा प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी जो हमारा ये मॉडल है ये हमें क्या बताते हैं, यहाँ पर सभी मॉडल आपको बता दिया जाएगा लेकिन खास ये नहीं है तो चलो साइड करते हैं। फैक्ट्री डिफॉल्ट, अगर बाय मिस्टेक आपसे कुछ ऐसा सेटिंग हो जाता है जिससे आपका डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है या ढंग ये अच्छी तरह से काम नहीं कर रहा है तो उस कंडीशन पर यहाँ पर आप फैक्ट्री रिसेट कर सकते हो, डिफॉल्ट पर सेट कर देना तो ये फिर से नॉर्मली पहले जैसा ये बन जाएगा। अब यहाँ पर मैंने सभी कुछ आपको चेक करके दिखाई दिया, प्रॉपर तरीके से मैंने डिटेल से आपको बता दिया कि भाई ये किस तरीके से काम करता है या किस तरीके से हम इसे ऑपरेट कर सकते हैं। टोटली चीज़ बताने के बाद भी अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होता है तो इससे आगे मैं आपको सिर्फ एक ही काम बता सकता हूँ, वो क्या है, आप मेरे सोशल मीडिया पर जाओ या फेसबुक पेज पर। हाँ मैं आपको बताता हूँ, अगर आप यूट्यूब पर वीडियोस को देखते हो साथ ही आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जाकर के देख सकते हो, वहाँ पर भी वीडियोस अपलोडेड हो जाती है। हो सकता है कोई वीडियो इस पर अपलोड ना हो तो वो मैं फेसबुक पर अपलोड कर देता हूँ, उसे आप चेकआउट जरूर से कर लेना। नीचे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया गया है सभी सोशल मीडियाज का, तो जाओ फॉलो करो। और अगर आपको समझ में नहीं आया या आपको कैसा लगा ये वीडियो वो मुझे कॉमेंट सेक्शन पर जरूर से बता ही देना। और देखो अब क्या होगा, लोग ऐसे बोल सकते हैं ये काफ़ी ज़्यादा हीट होता है, तो कोई भी हीटिंग का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। देखो मैं आपके सामने टच करने वाला हूँ, सबसे पहले आईसी को चेक करते हैं, जो हमारा एम्पलीफायर आईसी है ना के बराबर ये गर्म हुआ है। चलो आईसी को चेक करते हैं, आईसी हल्का से गर्म है, क्यों है, क्योंकि यहाँ पर हमारा 12 वोल्ट से डायरेक्ट ये 5 वोल्ट हमारा कन्वर्ट हो रहा है। अब देखो जो बोल रहे थे कि ये हमारा 15 से 20 मिनट के अंदर ये ख़राब हो जाता है, तो लगभग ये 15 मिनट पार कर चुका है, 15 मिनट से ज़्यादा हो चुका है और अभी भी ये अच्छी तरह से ये काम कर रहा है। स्पीकर पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, जितना लोड दोगे वो एम्पलीफायर के हिसाब से दे देना। बड़े एम्पलीफायर को कनेक्शन करना है तो ऑक्स केबल जो ये है इस वाले ऑक्स केबल पर आप डायरेक्ट एम्पलीफायर का ऑक्स केबल कनेक्ट कर देना, बस सिंपल सा है। या यहाँ पर जो इनपुट का जो ऑक्स केबल है यहाँ पर भी कर सकते हो, यहाँ पर ऑक्स केबल को ऑन करोगे यहाँ पर ऑक्स, तो आप डायरेक्ट यहाँ से ऑपरेट हो जाओगे। अब देखो टोटली मैंने बता दिया किस तरीके से कनेक्शन करना है, ब्लूटूथ से ये वीडियो को चलाएगा या नहीं चलाएगा। तो चलो गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नए टॉपिक के साथ, और अगर आप चाहते हो कि आपके कमेंट पर कोई भी और वीडियोस बनाई जाए कमेंट सेक्शन पर कमेंट कर देना, मैं आपको क्लियरली से बता दूंगा। चलो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय।